नमः शिवाय। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल में। इसका नाम है मोहित दिल्ली वाला, मेरा नाम है मोहित सतीजा और वेलकम टू द न्यू वीडियो, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एपिसोड 4 मनाली सीरीज में। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने एपिसोड 1, 2 और 3 देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो क्या करना है, यूट्यूब चैनल मोहित दिल्ली वाला पे जाना है और वहां पर एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 देखने हैं। बहुत ही जबरदस्त बने हुए हैं, बहुत ही ब्रिलियंट जगह दिखाई है। लास्ट एपिसोड में हमने अटल टनल कवर करी और हमने उसके बाद सीसू कवर किया, सीसू लेक। वहां से फिर हम वापस आए सोलांग वैली में, वहां से हमने करी जिप लाइनिंग। तो कल का दिन भी बहुत ही बढ़िया रहा और आज अब हम जाने वाले हैं अंजनी महादेव के ट्रैक पर, वो भी सोलांग वैली से होके ही जाएंगे। तो ये प्लान है आज के दिन का और अभी यहाँ पर हूँ मैं एल्योरे ग्रैंड में। और हमने कल चेक इन किया था, जैसे मैंने बताया था हम 2 दिन थे अनंत माया में, उसके बाद तीसरा दिन हमारा कल था। कल हमने शाम को आके चेक इन किया एल्योरे ग्रैंड। तो अभी मैं आपको क्विकली प्रॉपर्टी का एक बार व्यू दिखा देता हूँ कैसी है, एक बार रिव्यू दे देता हूँ और उसके बाद चलते हैं, आपसे मिलेंगे रास्ते में। तो दोस्तों ये है हमारा होटल एल्योरे ग्रैंड जो कि हमने कल शाम को आके चेक इन किया है और एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो ये व्यू है एल्योरे ग्रैंड का। तो यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हो, बिल्कुल ज़बरदस्त ओपन एरिया है यहाँ पर देख। ठीक है, और यहाँ पर है किड्स प्ले एरिया। यहाँ की साइड पर देखें तो पूल है और वहाँ पर जकूसी है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनी हुई है और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, सोलांग वैली रोड पे है और यहाँ पर बह रही है व्यास रिवर। अभी दिखाता हूँ, इस साइड पे ये बार है, आप यहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से हम देखते हैं व्यू व्यास रिवर का। तो ये देखो दोस्तों, ये है व्यू व्यास रिवर का और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। तो यहाँ पर 2 टाइप के व्यूज हैं, एक इस साइड पे रूम्स हैं जिनका व्यू रिवर फेसिंग है और एक उसकी ऑपोजिट साइड है और उनका व्यू ये वैली फेसिंग है। तो आप दोनों रूम्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं, वैली फेसिंग या फिर रिवर फेसिंग। तो दोस्तों चलते हैं और सबसे पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं बाइक में, क्योंकि 2 दिन से चल रही है और सिर्फ 500 रुपये का भरवाया था। अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर चल चुकी है तब से। तो अभी भरवाते हैं पेट्रोल, फिर जाते हैं वैली की तरफ अंजनी महादेव जी के ट्रैक करने। तो दोस्तों मैक्सिमम जो भी चीज़ें यहाँ मनाली में आप करते हो वो सोलांग वैली के थ्रू ही होती हैं। जैसे कि अगर आपने अंजनी महादेव करना है तो वो भी सोलांग वैली से ही होगा। अगर आपको स्पोर्ट्स करने हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिप लाइनिंग, जॉर्बिंग, पैराग्लाइडिंग, वो भी सोलांग वैली में ही होंगी। अटल टनल जाना है तो वो भी सोलांग वैली से ही होके जाएगा। तो एक मेजर स्पॉट है वो यहाँ पर मनाली में और अभी उसी के रास्ते पर जा रहे हैं। ओल्ड मनाली में हम बेकरी आइटम्स जो है वो ट्राई करेंगे, तो वो दिखाऊंगा आज। तो अभी आपसे हम मिलते हैं डायरेक्टली वैली में, तब तक आप कुछ सिनेमैटिक शॉट्स रास्ते के एंजॉय कीजिए। पलचन ब्रिज और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज है ये जो कि कनेक्ट करता है सोलांग वैली से। ये हसी वादियां, ये खुला आसमां और कहां जाएं इसके सिवा। तो ये पहुंच गए वैली में हम, अभी मिलते हैं पिंकी जी से और वो हमारे को लेके जाएंगी अंजनी महादेव ऊपर ट्रैकिंग पे। तो ये रही पिंकी जी का। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसे हो? हाँ चलो, बस आ रहे हैं वो भी पीछे से। तो बताओ कैसे करना है? उनसे पूछ के लगा। देखो मैं तो ट्रैक करूँगा, पैदल जाऊँगा। मेरे ख्याल से वो दोनों भी कपल जो है हमारा वो भी ट्रैक कर लेगा। वो मनीष जी हैं, वो उनका देख लेते हैं क्या करना। तो अभी वो पीछे रह गए हैं मनीष जी और हमारा कपल, और चलते हैं अभी, फिर आगे मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों पिंकी जी आ गई हैं और मनीष जी भी हैं हमारे साथ और कपल हमारा आ रहा है।
तो अभी प्लानिंग ये हुई है कि मैं और पिंकी जी हम वॉक करके जाएंगे, ट्रैक करके जाएंगे, और मनीष जी एटीबी पे जा रहे हैं। या मनीष जी आप भी ट्रैक करोगे? मैं कोशिश करूंगा ट्रैक करने के, बट लेट्स सी कैसा फील करता हूं। चलो ठीक है, तो देखते हैं, अभी वेट कर रहे हैं हम अपने कपल का। तो पिंकी जी कितना टाइम लगने वाला है हमारे को ट्रैक के लिए? एक घंटा लगेगा, ठीक है, और नीचे आने में आधा घंटा, ठीक है। तो डेढ़ घंटे का ये टाइम पीरियड है, तो देखते हैं कैसे जाता है। आइए लेके चलते हैं आपको अंजनी महादेव। तो अभी चल पड़े हैं सारे ही हम ट्रैक कर रहे हैं, मनीष जी को भी हमने मना लिया है ट्रैकिंग के लिए, तो अभी सब पैदल चल रहे हैं और करेंगे अंजनी महादेव जी का ट्रैक। तो बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो ये इस रास्ते से ऐसे ट्रैकिंग है, ये रास्ता है, बिल्कुल ही पहाड़ी रास्ता है। चलो 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 चलो, बाकी पार्टी हमारी ये भी पीछे आ रही है। मनीष जी सबसे पीछे हैं, मनीष जी लीड करो हमारे को, आप आओ। चलो 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 चलो। तो ये यहाँ पर शूज ट्रैकिंग वाले ही पहन के आना, मैंने भी वही पहने हुए हैं। तो चलो जी, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, साथ ही साथ धूप भी है, और हमारे को लीड करते हुए आगे पिंकी जी। चलिए जी, ये है अंजनी महादेव का ट्रैक। आज सारी जान जो है उसकी टेस्टिंग हो जाएगी, कितनी जान है अंदर शरीर में। तो सड़क नहीं है बिल्कुल, पत्थर ही है जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ ट्रैक ही करना पड़ता है, या फिर आप एटीबी पे जा सकते हो दूसरे रास्ते से। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, ओम नमः शिवाय, सबके घर को है। पिंकी जी तो स्पीड से जा रही हैं, इनको तो रोज की प्रैक्टिस है। तो ये यहाँ से नज़ारा है, तो अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। चलो जी, तो अभी फर्स्ट स्टॉप के बाद चल पड़े हैं। तो ये क्रिश वाला पहाड़ है, तो यहाँ पर क्रिश मूवी की शूटिंग हुई हुई है। तो इस पहाड़ पे ऋतिक रोशन जी हमारे चढ़े थे क्रिश मूवी की शूटिंग के दौरान, ठीक है जी। अभी कितना दूर है यहाँ से? काफी है, अभी तो 2 किलोमीटर बाकी है, हाफ ही आए, अभी हाफ किलोमीटर ही आए तो ये हालत हो गई है। बट इजी ट्रैक नहीं है, अच्छा खासा ट्रैक है, और ये रहा लैंडस्केप, एक बार दिखाता हूँ आपको आगे का। ये जो पीछे ऊपर धुंध दिख रही है, उसके पीछे हमें नीचे जाना है अंजनी महादेव के टेम्पल पे। तो बहुत दूर अभी है, 2 किलोमीटर है, और हमें 10 मिनट हो चुके हैं अभी ट्रैक शुरू किए हुए। अभी टाइम हो चुका है 12:35, 12:25 पे हमने ट्रैक शुरू किया था। तो एक 360 डिग्री दे रहा हूँ अंजनी महादेव के ट्रैक का, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। मनीष जी वहाँ बिल्कुल एंड में खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो जी चलते चलो। अंजनी महादेव का ट्रैक आपके लिए, 2.5 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, और नीचे सोलांग वैली से शुरू होता है। हमने अभी हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, बट अभी भी हाफ है, तो सांस चढ़ी हुई है। अभी रेस्ट लेते हैं और आपसे मिलते हैं आगे अंजनी महादेव के ट्रैक पे। तो ये रास्ते में जामुन का पेड़ मिला है, और यहाँ से हमने तोड़ के ये जामुन जो है वो खा रहे हैं। हाँ जी, क्या है, ज्यादा निकालू? ठीक है, तो ये जामुन खाते हैं, टेस्ट लेते हैं, फिर बताते हैं कैसा है। खट्टा सा है, बहुत ही ज्यादा खट्टा है। यहाँ से तोड़ू? रुको रुको रुको, ये लो। मुनी बहुत खाते हैं। तो ये जामुन है, ये आप ट्रैकिंग में ही ये नजारे ले सकते हो, बीच रास्ते में रुक के जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ के जामुन खा सकते हो। तो अंजनी महादेव का ट्रैक आपके लिए मोहित दिल्ली वाला के सौजन्य से YouTube चैनल पे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा ये व्यू। तो अभी भी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, टाइम हो चुका है 1:45।
दोस्तों ये फाइनली पहुंच गए हैं हम अंजनी महादेव। तो ये जो ATVs हैं ये नीचे सोलांग से आती हैं वैली से, अगर आपको ट्रैक नहीं करना तो ये 10 मिनट में 15 मिनट में यहाँ पर पहुंचा देती हैं बेस पे। 360 डिग्री देता हूँ आपको यहाँ से। ये हमारे ATV वाले भैया, क्या नाम है? वंश। वंश, बड़ा अच्छा नाम है मेरे भाई। कितना चार्ज लेता है? 800। तो अगर आपको आना जाना करना है वैली से इन पे अंजनी महादेव पे वंश, तो वंश भाई को कॉन्टैक्ट करो और 800 रुपीज में आना जाना कर सकते हो। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अंजनी महादेव बेस पे। तो ट्रैक जो है वो 2.5 किलोमीटर का है, 2.5 किलोमीटर का, और बहुत ही जबरदस्त सीनरी है, बहुत ही जबरदस्त ट्रैक है। अगर आप आ रहे हैं मनाली सोलांग वैली तो अंजनी महादेव जी का ट्रैक जरूर कीजिए। अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने टेम्पल पे शिव शंकर भगवान के। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 और ये एपिसोड 4 चल रहा है, तो ऐसे ही आगे एक दो एपिसोड और आएंगे। चैनल में बने रहना है, सब्सक्राइब कर लो मोहित दिल्ली वाला और बेल आइकन को दबाना। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं अंजनी महादेव जी पे और ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है। वहां पर है शिवलिंग और ये सीढ़ियां चढ़नी है सारी, ठीक है? तो फास्ट फॉरवर्ड मोशन पे आपको दिखाता हूँ। शंकर भगवान की जय, ओम नमः शिवाय, सबके घर को आए। और ये देख लो वाटरफॉल यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल, शानदार और पूरा ग्रीन, सब कुछ ग्रीन ग्रीन। बोलो बजरंग बली भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है अंजनी महादेव जी सोलांग वैली से ऊपर और ये व्यू देख लो जो ऊपर से पानी बह रहा है। सीधा शिव शंकर भगवान जी को जल अर्पित हो रहा है हिमालय से, पहाड़ियों से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ जोर से ओम नमः शिवाय। हाँ अब छिड़क दो। बोले शंकर, बोले भंडारी, बोले पिटारी, फलती मार कर देना। नहीं नहीं ले आना इसको, अभी चढ़ाना है इसको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अंजनी महादेव जी का ट्रैक पसंद आया होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमने वीडियो लॉगिंग करी है और ये है हमारा ग्रुप जिसके साथ हम आए हैं अंजनी महादेव जी। ओम नमः शिवाय, जय हो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिव शंकर भगवान की जय। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एपिसोड 4, एपिसोड 4 में हमने आज अंजनी महादेव कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मोहित दिल्ली वाला। बेल आइकन को दबा दो ताकि आपके पास मेरी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। तो बोलो ओम नमः शिवाय, सबके घर को आए और एज ऑलवेज मौज लो, रोज लो और ना मिले तो अंजनी महादेव के ट्रैक पे आके खोज लो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। एपिसोड 5 आएगा बहुत धाकड़। 1, 2, 3, 4 सारे देख लेना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।